सोमवार को स्थानीय होटल में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि जिला प्रशासन जिला निर्वाचन अधिकारियों ने लोकसभा 2024 को निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराया है। उन्होंने कहा कि लेकिन मतगणना 4 जून को होना है, इसके लिए उन्होंने अपने मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना की पूरी तैयारी करवा दी गई है। उन्हें समझा दिया गया है कि अंतिम समय तक टेबल नहीं छोड़ना है, आखिरी तक मतगणना टेबल पर डटे रहना है। जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है, वहीं उन्होंने गत दिवस टीवी न्यूज चैनल पर आयोजित किए गए एग्जिट पोल को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल विश्वसनीयता खत्म कर दी, यह एग्जिट पोल भ्रमित करने और माहौल बनाने की बातें हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जहां 10 सीट है वहां 13 सीट, जहां 2 सीट है वहां 5 सीट दिलाने वाला एग्जिट पोल भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य भारी मतों से जीत रहे, साथ ही बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 सीट जीतेगा। कल सारे लोग मतगणना स्थल पर सुबह पहुंचेंगे और जो फसल बोई है गठबंधन परवान ने, हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी ने, भाई दीप नारायण सिंह जी ने, खावरी जी ने, आम आदमी पार्टी के अरशद खान जी ने, सचिन पाल सिंह जी ने, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, हमारे बृजेंद्र सिंह जी, हमारे योगेंद्र सिंह पारीचा, सब लोगों ने जो जनता तक चुनाव पहुंचाया और जो फसल हुई है कल उसको काटने का दिन है। तो एक एक व्यक्ति पूरे मजबूत मनोबल के साथ मतगणना में जुटेगा और उनका हम लोगों का आज जो एकमात्र लक्ष्य था वो ये था कि जो भ्रम की स्थिति मोदी मीडिया के द्वारा की जा रही है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि ये गोदी पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है। देखिए, जो 20 मई को मतदान हुआ और हम समझते हैं कि और जगह से बेहतर परसेंटेज में यहाँ झांसी में मतदान हुआ और उसके अब परिणाम की घड़ी आ गई है। कल मतगणना है और मतगणना पे जो हम लोगों ने अपने जो अभिकर्ता हैं उनको जागरूक करने का प्रयास किया है, उनको एक छोटा सा प्रशिक्षण देने का भी प्रयास किया है कि किस तरीके से वो उनको मतगणना में हिस्सा लेना है। और हमारे लोग जो है मतगणना में पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे और मजबूती के साथ एक एक राउंड की मतगणना कराएंगे। और मतगणना में हमें पता है कि निश्चित रूप से प्रदीप जैन जी भारी मतों से विजयी होंगे, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। कांग्रेस का संघर्ष लोगों तक पहुंचा है, लोगों ने समर्थन किया है, वो अब पेटी के अंदर बंद है, अभिकर्ता जाकर उस पेटी खुलना है। जनता के बीच में जब आप भी गए होंगे, लोग भी गए हैं, तो बहुत सारा प्यार इसने मिला है। जिनके हाथों में बागडोर थी उनके प्रति निराशा थी लोगों में। इस बार एक सामाजिक जो गणित है या राजनीति जो समझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने गौर किया होगा, तो मैं कह सकता हूं कि उनका कुछ बनना नहीं था, घटना था गठबंधन को के प्रति प्यार दिखा लोगों में, हर वर्ग का समर्थन दिखाई दिया। बहुत सारे विश्लेषण करके लोग मतदान करते हैं, मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का लोगों के बीच से प्यार मिला है परिणाम पक्ष में आएगा।